हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मैं दिव्यांशु, आप सभी का किकबी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे थे क्लास 11th में सेट्स यानी समुच्चय के ऊपर, पढ़ रहे थे समुच्चय को, और हमने पिछली क्लास में या पहले 8 वीडियोस में वेन डायग्राम वेन आरेख तक पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। जो समुच्चय का अलजेब्रा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय की जो थोड़ी सी बीजगणित होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी में बताऊँ तो उसमें पहली चीज़ है कि ए, उसका यूनियन करूँगा अगर मैं ए के साथ तो मुझे ए ही मिलने वाला है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हुई होगी। इंटरसेक्शन करूँगा तो भी ए ही मिलने वाला है। मैं इसको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ या एग्जांपल देकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मैंने माना ए 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा सेट ए है, कोई समुच्चय ए है। तो अब अगर मैं इसका इसी के साथ में यूनियन कर दूँगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यूनियन करता हूँ दोनों का तो मेरे पास वापस क्या आने वाला है। मेरे पास आने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, ए यूनियन ए। यानी कि मैंने जैसे यूनियन किया तो वो मेरे पास क्या आ गया, वो मेरे पास ए आ गया। ठीक है, कोई दो बार मत लिख देना कि 1 इसका भी 1 इसका भी, दो बार लिख दिए, दो बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखते हैं। बताया था ना कि आप अपनी फैमिली के एक ही मेंबर हो, आप अपने दादी वाले साइड या पापा वाले साइड में काउंट हो गए और मदर वाली साइड में भी काउंट हो गए। तो ये हो गया एक इक्वल। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले में, तो सेकेंड में क्या है, सेकेंड में इंटरसेक्शन है। तो बस मैं यहाँ इंटरसेक्शन लगा देता हूँ। यहाँ इंटरसेक्शन का साइन जैसे ही मैंने लगाया तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि देखो इसमें कॉमन क्या क्या है। सब कुछ ही कॉमन है, देख लो, 1 इसमें 1 इसमें, 2 इसमें 2 इसमें, 3 इसमें 3 इसमें, 4 इसमें 4 इसमें, 5 इसमें 5 इसमें। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी ए के इक्वलिटी आ जाएगा। और आना ही है क्योंकि अल्टीमेटली हम ए ही लेकर चल रहे हैं और उसका उसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो मुझे वही मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हुई कि ए यूनियन ए क्या होता है, ए, और ए इंटरसेक्शन ए भी क्या होता है, ए। ठीक है, अब देखो जो तीसरी बात है वो क्या है कि ए यूनियन फाई। अब ए के साथ में यूनियन करना है मुझे फाई को, तो बस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा मेरा 5। तो अब देखो 5 तो किसी भी सेट का मेंबर पहले से ही होता है या सेट का सबसेट पहले से ही होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो 5 होता है, 5 इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है आपका फाई, तो फाई को किसी भी समुच्चय के साथ आप यूनियन करोगे, फाई का किसी भी समुच्चय के साथ, सेट के साथ आप यूनियन करोगे तो आपको वो सेट ही मिल जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ ए यूनियन फाई की, ए यूनियन फाई की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे वापस ए ही मिल जाएगा। या यहाँ पर कोई और सेट बी या सी होता या कोई भी सेट, कोई भी समुच्चय होता, उसका अगर मैं फाई के साथ यूनियन करता तो मुझे वही सेट वापस मिल जाता। इसका मतलब ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन क्या है, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई। तो आपको पता है कि कोई भी सेट हो उसका सबसेट अगर फाई हो रहा है, इसका मतलब फाई उस सेट के अंदर आने वाला है। तो अगर मैं किसी भी सेट का या किसी भी सेट का फाई के साथ में मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उस कंडीशन में मिल जाएगा फाई ही। यानी कि ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा, आपका फाई हो जाएगा। फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करोगे तो फाई मिलने वाला है, और फाई का किसी के साथ यूनियन करोगे तो वो सेट खुद मिल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन। ये यूनियन नहीं है, मैंने यूनियन नहीं पढ़ा है। अब बात करते हैं इस पे फिफ्थ वाले पे, ए यूनियन, सॉरी, अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पे, अब बात करते हैं फिफ्थ वाले पे, ए इंटरसेक्शन यू। ये यूनियन वाला यू नहीं है, ये आपका यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसको रिप्रेजेंट करने वाला यू है।
सार्वत्रिक समुच्चय मतलब तो सब कुछ आ गया, ठीक है। अगर मैं वेन डायग्राम से ही बात करूँ तो यू का वेन डायग्राम ऐसा बनता है, एक क्लोज रेक्टेंगुलर पार्ट या क्लोज रेक्टेंगुलर जो भी आकृति है आपकी, बंद आयताकार वक्र है, वो आपके यूनियन यानी कि सॉरी इस यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, और ए होता है वो इसके अंदर ही कहीं होता है। अब अगर मैं इन दोनों के अंदर क्या निकालूँ, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, तो यू और ए का कॉमन पार्ट कौन सा होने वाला है, यू और ए का कॉमन पार्ट होने वाला है बच्चों ये वाला जो पार्ट ए में है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे वही वाला सेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए का भी कॉमन पार्ट है और यू का भी कॉमन पार्ट है। तो ये पांचों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ये लॉज ऑफ एलजेब्रा की एक स्टार्टिंग है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसके आगे भी कुछ चीज़ें आएगी और इन्हीं से आगे की चीज़ें फॉर्म होगी। तो ये पांच बेसिक चीज़ें थी, अब कुछ चीज़ें और देखेंगे हम, इनको आप अच्छे से नोट कीजिए। नाउ जो इसका सिक्स पार्ट है वो है ए यूनियन बी है, वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के। तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो और आप इसको कर सकते हो ए और बी कोई सेट मान के भी। अपन दोनों तरीके से सीखेंगे कि दोनों तरीके से कैसे करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, माना ए व बी दो समुच्चय है, दो आपके सेट्स हैं। तो मैंने ए को मान लिया 1, 2, 3, 4 और जो मेरा बी है वो है 3, 4, 5, 6, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यूनियन 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इनका यूनियन करूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो मेरे पास आया ए यूनियन बी। अगर मैं बी यूनियन ए लिख दूँ, सपोज मैं लिखता हूँ बी यूनियन ए, तो 3, 4, 5, 6 यूनियन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब देखो अब क्या बनेगा, अब आप लिख दोगे 3, 4, 5, 6 और 3, 4 पहले लिखा जा चुका है तो मैं इसको 1, 2 लिख सकता हूँ। तो क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों के अंदर, क्या डिफरेंस है? मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगता इन दोनों के अंदर, बस क्या हो रहा है एलिमेंट्स आगे पीछे हो जा रहे हैं। इसमें भी वही एलिमेंट है, देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हो गया, क्रम आगे पीछे हो रहा है, लेकिन एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, एलिमेंट्स आपके सेम रह रहे हैं, एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। आपका ऑर्डर थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो जाए लेकिन एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे, और ऑर्डर चेंज होने का सेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपने वन को पीछे लिख दिया आगे लिख दिया उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली सेट का एलिमेंट है वो, सेट का यानी समुच्चय का अवयव है वो। तो ये चीज़ हो गई सेम। अगर यही मैं बात करूँ इस केस के अंदर तो देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन वही होना है 3, 4। तो मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी तो वो भी मेरे पास 3, 4 आना है, और सिमिलरली मैं बात कर लूँ बी इंटरसेक्शन ए की तो वो भी मेरे पास 3, 4 आना है। तो देख लो दोनों चीज़ें सेम हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। अब इसको वेन डायग्राम से देखते हैं कि वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे दिखाएंगे। तो वेन डायग्राम को दिखाने का तरीका आपको पता है, एक क्लोज रेक्टेंगुलर शेप होती है, एक बंद आयताकार आप वक्र बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा यूनिवर्सल सेट यू को दिखाता है। तो ये मेरा यू हो गया यूनिवर्सल सेट और ये मेरा ए हो गया। ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है 3, 4, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन रीजन आने वाला है, कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ क्षेत्र आने वाला है, तो मैंने ये उभयनिष्ठ क्षेत्र भी रख दिया बी, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि पहले ही बात करता हूँ ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, मतलब ए व बी के सारे अवयव आ गए, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो इसका मतलब ये यहाँ से लेकर ऐसी ऐसी लाइन चलेगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है ना वो आपकी ए यूनियन बी को दिखा रही है। ए यूनियन बी को मैं दिखा रहा हूँ
हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और अब आप कहोगे कि ए इंटरसेक्शन बी को कैसे दिखाओगे, बी इंटरसेक्शन ए को कैसे दिखाओगे, तो ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए यही वाला पार्ट होने वाला है जो ए और बी में कॉमन है, जो ए व बी का उभयनिष्ठ है। तो उसमें मैं ऐसी वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ तो आप अल्टीमेटली देखोगे कि ऐसी खिड़कियाँ जैसी बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स जो है वो इस तरीके से, लो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये वाली चीज़ हो गई, और जो ये पूरा है ये आपका ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी कि ए यूनियन बी, बी यूनियन ए बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही चीज़ है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आप इसका ऐसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप पहले एग्जांपल लेंगे ऐसा और उसके थ्रू दिखाएंगे कि भाई एक ही चीज़ होती है। उसके बाद में आपने जो वैन डायग्राम सीखा है उसका भी आप यूटिलाइजेशन दिखाएंगे कि यार हमने वैन डायग्राम वैन आरेख सीखा है तो उसका हम यूटिलाइज दिखाएं कि यार कोई चीज़ सीखी है तो उसको यूज़ करना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप इतनी चीज़ दिखा देंगे तो टीचर कहेगा कि भाई वाह जी क्या चीज़ बताई है, और वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। आप अलग लगेंगे लोगों से, या तो लोग ऐसा करके आएंगे या ऐसा करके आएंगे। नाउ अभी जो हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी वो होता है बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल, ये जो दोनों चीज़ें थी ना, एक ये वाली और एक ये, जो हमने लॉ नंबर 6 और 7 बताया है, वो आपका होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट तो उसका मतलब यही दोनों चीज़ें होती है। अगर मैं बात करूँ सेट का क्रम विनिमयता का गुणधर्म, देख लो क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल दिए, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें ए आगे था इसमें ए पीछे है, इसमें ए आगे था इसमें ए पीछे है, तो मतलब क्रम बदलने पर अगर आपके जो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला। अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है तो क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं या दोनों पार्ट हैं 8 नंबर और 9 नंबर, ये आपके हैं एसोसिएटिविटी के, एसोसिएटिविटी। हिंदी में बात करें तो यह है सहचार्यता, ये सहचार्यता का गुणधर्म फॉलो करते हैं 8 नंबर और आपका 9 नंबर। करके देख लेते हैं, एक करेंगे इसमें से, एक आप होमवर्क करके लाएंगे। ए मैंने लिखा 1 2 3, बी मैंने कोई सेट ले लिया 3 4 5, और सी मेरा सेट है कोई 3 बस। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कैसे निकालेंगे, तो ए कितना है, ए मेरा है 1, 2, 3, और अब मुझे इन दोनों का यूनियन करना है तो बी यूनियन सी क्या होगा मेरे पास, बी यूनियन सी मेरे पास आ जाएगा 3, 4, 5। क्यों, क्योंकि 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है, और इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये तो मेरे पास बना ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा, ठीक है। पहले बी यूनियन सी बनाएंगे फिर उसका ए के साथ यूनियन कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। या ए यूनियन बी कर लो, जैसे ही मैं ए यूनियन बी करूँगा, मैं यहाँ पर करता हूँ ए यूनियन बी, तो मैंने किया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी करने पे मेरे पास में क्या आया, मेरे पास आया 1, 2, 3, 4, 5। 3 को दोबारा रिपीट नहीं करने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर मैं इसका यूनियन करूं सी के साथ में, तो देखो सी क्या है, सी 3 है और 3 पहले से इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 पहले से ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है, तो मुझे दोबारा से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये लो, तो देख लो जब मैंने ऐसे किया तो भी मेरे पास आंसर क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5 वाला सेट, और ऐसे किया तो भी मेरे पास आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5 वाला सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा, और ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा, ये आपका सहचार्यता एसोसिएटिविटी का गुणधर्म होता है, ये फॉलो करता है। और अगर इसी एग्जाम्पल को आप इसके लिए फॉलो करवाने जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका आंसर जो आया है वो इधर भी 3 बनेगा ऐसा और इधर भी 3 बनेगा ऐसा,
तो ये आपका होमवर्क है कि आप ऐसा बना कर देखें और दोनों तरफ 3-3 बनाएं और इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर कर लाएं। उम्मीद करता हूँ ये 9 प्रॉपर्टीज़ या 9 लॉज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये अभी तक की बेसिक लॉज थे। हमने कुछ यूनियन के ऊपर देखे, कुछ इंटरसेक्शन के ऊपर देखे, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, हमने एसोसिएटिविटी देखी, हमने सहचार्यता देखी, हमने क्रम विनिमयता देखी और पहले वो यूनियन और इंटरसेक्शन देखे थे। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कीजिए। कोई भी दिक्कत लगे, डाउट या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ था, कट गया था इसके आगे वाला थोड़ा सा। आज पहली बार इतने बड़े बोर्ड के ऊपर है तो मैंने कैमरे के ऊपर खास ध्यान नहीं दिया है। कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे मैंने बोला तो समझ में आ गया होगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें थी। तो यहाँ तक आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि जो विदलन होता है उसके नियम के बारे में। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या कहते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो आपका जो ये यूनियन है ना, ये इन दोनों के साथ में हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और जो इंटरसेक्शन का साइन है वो बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देख लो, इसके साथ भी और सी के साथ में भी, बी और सी के साथ में यूनियन का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अब हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए 3 सेट्स लेंगे। तो लेट मैंने सपोज कर लिया सेट ए है 1, 2, 3 एंड 4, सेट बी है मेरा 3, 4, 5 एंड सी है मेरा 2, 7 और 8। ये मेरा एक तरीके से सेट्स हैं ए बी और सी, ठीक है। और क्या करना है मुझे, मुझे पहले करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं पहले बनाता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट कोई है क्या, कोई भी कॉमन एलिमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब मुझे इसका ए के साथ यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्या है मेरे पास 1, 2, 3, 4 यूनियन 5। 5 का किसी के साथ भी यूनियन करेंगे तो मुझे वही सेट मिलने वाला है। दैट मीन्स मुझे मिला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला, मुझे मिला ये। अभी तक मैंने सिर्फ जो ये LHS था इसको सॉल्व किया है, अब मुझे RHS को भी सॉल्व करना है और बराबर प्रूफ करना है कि मुझे ऐसा ही आना चाहिए। तो पहले मैं करता हूँ A यूनियन B। A यूनियन B करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 1, 2, 3, 4 और 5। देखो 1, 2, 3, 4 तो इसके अंदर है तो वो सीधा आ गया, और 3, 4 इसके अंदर है तो वो भी लिख दिए, और 5 भी इसके अंदर है तो वो भी लिख दिए। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को क्लब करके लिख देते हैं और कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 3, 4 और 2 इसमें मैंने देखो कंसिडर कर लिया है, तो बचा हुआ पार्ट हो गया आपका 7, 8। अब मुझे इन दोनों के अंदर क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है, तो चलिए वो भी लगाते हैं। तो देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉमन एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है 4 है 4 है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 7 इसमें है इसमें नहीं है, 8 इसमें है इसमें नहीं है। इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4 ही हैं, तो ये सेट हो गया 1, 2, 3, 4 का, ठीक है। तो अब देखो मेरा यहाँ पे भी आंसर 1, 2, 3, 4 है, वहाँ पे भी आंसर 1, 2, 3, 4 है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो LHS था वो RHS के इक्वल आ गया है। और जैसे ही LHS RHS के इक्वल आ गया, मतलब मैंने ये थ्योरम को प्रूफ कर दिया है, या ये लॉ जो था डिस्ट्रीब्यूटिव इसको प्रूफ कर दिया है। कभी भी आपसे कोई पूछ लेना कि यार कोई भी लॉ को प्रूफ करो या दिखाओ, तो आप ऐसे नहीं दिखा सकते सीधा, आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल लेना होगा और एग्जाम्पल कंसीडर करने होंगे। ज़रूरी नहीं आप इतने बड़े एग्जाम्पल लो, आप 2-2 के भी ले सकते हो, 1-2 ले लिया, 2-3 ले लिया, 3-4 ले लिया, फिर उससे कर दिया, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी मना ही नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि यहाँ इंटरसेक्शन हो सकता है और यहाँ यूनियन हो सकता है, और वो हो जाएगा सेकेंड पार्ट आपका। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर चेंजमेंट हो जाएगा, ये आपका यूनियन हो जाएगा और ये दोनों आपके इंटरसेक्शन के हो जाएंगे। तो
तो उस केस में जो आंसर बनेगा ए बी और सी लेकर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये आंसर बन रहा है, और दोनों सही बनेंगे तो आपका आंसर सही है। मतलब जो LHS है और जो RHS है, उन दोनों में अगर सेम आंसर आएगा, दैट मीन्स आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसका जो सेकंड पार्ट है वो अच्छे से समझ लिया है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी भी हो गई। हम प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ रहे हैं या लॉस को भी पढ़ रहे हैं, साथ में हम एग्ज़ाम्पल्स को भी कर रहे हैं। तो थ्योरी प्लस एग्ज़ाम्पल दोनों पार्ट्स हमारे साथ साथ में हो रहे हैं, और ऐसे ही हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सेट थ्योरी के अंदर हाई लेवल के ऊपर भी, उन पे भी खैर हम बात करेंगे। फिलहाल तो आप इसको नोट कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, डी मॉर्गन्स लॉ। जो ये डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट की, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके वेन डायग्राम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम वेन डायग्राम से भी सीखेंगे और वैसे एग्जाम्पल से भी सीखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल वही, मैंने कोई सेट ए ले लिया 1, 2, 3, 4। देखो एग्जाम्पल मेरे वही रहने वाले हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत कोई चेंज कर सकता हूँ तो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आप मन से हाथों हाथ बना सकते हैं, मैं भी हाथों हाथ ही मैनिपुलेट करता हूँ। तो पहला जो हमारा LHS पार्ट है वो क्या कहता है, वो कहता है ए यूनियन बी। तो पहले तो मैं ए यूनियन बी कर लेता हूँ। अब देखो कॉम्प्लीमेंट है तो मुझे यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, यू की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यू को मान लेता हूँ यहाँ पर, जो मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है वो है 1, 2, 3 से लेकर 15 तक, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, चलो थोड़ा छोटा मान लेते हैं, हम इसको 8 तक मान लेते हैं। ठीक है, छोटा हो गया। तो अब ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी होने वाला है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो सारे एलिमेंट ए के भी आ गए, बी के भी आ गए। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसका, U माइनस ए यूनियन बी, और वो क्या हो जाएगा, इस यूनिवर्सल सेट में से ये वाले सारे एलिमेंट हटा दो तो 1 से लेकर 6 तक के सारे एलिमेंट हटा दिए तो मेरे पास सिर्फ बचेगा 7 और 8। तो यानी कि मेरे पास में जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आया, पूरक आया, वो हो गया 7, 8। ये तो बात हुई LHS की। अब भाई RHS की भी बात कर लेते हैं। तो पहला है ए कॉम्प्लीमेंट। तो भाई साहब ए क्या है, 1, 2, 3, 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। ठीक है भाई, यू माइनस ए कर दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 4 हटा दो और आगे वाले लिख दो, यानी कि 5, 6, 7, 8, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए का पूरक समुच्चय। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, बी का पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा आपका, 2 से लेकर 6 तक हटा दो और 1 और 7, 8 लिख दो। लो जी, ये भी लिख दिया 1, 7, 8। अब इन दोनों का क्या करना है, मुझे इंटरसेक्शन करना है। तो देख लो कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं 7, 7 और 8, 8, दो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो 7 और 8 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया। देख लो अगर इसको इक्वेशन 1 बोले या इक्वेशन 2 बोले, या इसको LHS बोले, इसको RHS बोले, तो आपका जो LHS है वो आपके RHS के इक्वल आ गया है। ठीक है, ये तो बात हुई किसके थ्रू, हमने इसको देख लिया ऐसे एग्जाम्पल लेके थ्रू। अब बात आएंगी कि ये तो बात हुई किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, कि हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं इसके वैन डायग्राम के ऊपर कि इसका वैन डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसका वैन डायग्राम ऐसे बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। वैन डायग्राम बनाने के लिए आप सबको पता है कि सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको एक आयताकार वक्र बनाना पड़ता है, क्लोज रेक्टेंगुलर कर्व बनाना पड़ता है जो रिप्रेजेंट करता है आपके यूनिवर्सल सेट यू को। और सर्कुलर जो कर्व बनते हैं ना, वो इन ए और बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, ये मैंने बनाया ए,
ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, 2 3 4 2 3 4, तो कुछ ना कुछ कॉमन रीजन भी आने वाला है और थोड़ा ज़्यादा ही आने वाला है। ये हो गया बी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि ये वाला पूरा का पूरा एरिया, यहाँ से ए और ये जो पूरा एरिया है ना, जिस पे अभी मैंने लाइन की है, वो आपका है ए यूनियन बी। मैं इसको ऐसे थोड़ी सी तिरछी लाइनें हैं या इस तरीके से शेडेड कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ए यूनियन बी, ठीक है। अभी तक आप पढ़ते हुए हैं, सबको ही पता होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए को छोड़ के सारा का सारा पार्ट, यानी कि ये 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 ये, और बी का भी ये वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैं बात कर लूँ कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का पार्ट छोड़ के ए वाला पार्ट भी सारा का सारा आने वाला है। और उनका अगर इंटरसेक्शन बात करूँगा तो उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ये वाला पार्ट जो अब शेड कर रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यार, ए कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पार्ट आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन नहीं होगा। और सिमिलरली बात इस हिस्से की, तो ये हिस्सा क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है और ये ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये दोनों का इंटरसेक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है दोनों में। और जो बाहर वाला हिस्सा है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए वो क्या बन गया, इंटरसेक्शन का पार्ट बन गया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आपका कॉमन रीजन। बस वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जो कॉमन रीजन है आपका, हिंदी में बात करूं तो उभयनिष्ठ क्षेत्र है ना, वही होता है आपके इंटरसेक्शन का मतलब। और यूनियन का मतलब जुड़ाव हो गया एक तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसका एक सेकंड भी देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स में दो चीज़ें आती है, पहली चीज़ हमने देख ली है, दूसरी चीज़ सिर्फ लिख के बताऊंगा आपको, उसको एक्सप्लेनेशन आप खुद करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में उसका बता दूंगा, लेकिन आप खुद से करके ज़रूर देखेंगे। नाउ जो सेकंड डी मॉर्गन लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक होता है वो होता है ए का पूरक यूनियन बी का पूरक, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट था वो क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या हुआ, सीधा खुलेगा ना, तो सीधा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो आपको लिखना ही है। अगर यहाँ यूनियन है तो उल्टा हो जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पर मान लीजिए आपका इंटरसेक्शन है तो भी ऐसे ही खुलेगा, लेकिन यहाँ यूनियन हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट दिखे तो आपको इस साइन को उल्टा कर देना है और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगाकर छोड़ देना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं डी मॉर्गन को, ये थोड़ा सा डी मॉर्गन को याद करने की ट्रिक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट और ये साइन एक जैसे दिखते हैं, तो शुरू शुरू में हमें कन्फ्यूजन होता है कि यार हम उल्टा कर देते हैं या कुछ और ही बना देते हैं डी मॉर्गन थ्योरम को, जो देकर गया था उससे कुछ अलग ही बना देते हैं। तो ऐसे याद रखें कि पहले ए यूनियन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी है उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या करना है, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट तो कर देने हैं, जहाँ यूनियन है उसकी जगह इंटरसेक्शन और जहाँ इंटरसेक्शन है उसकी जगह यूनियन। इस ट्रिक से याद कर लो, क्वेश्चंस कर लो कुछ, और उसके बाद में ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैं तो आज तक नहीं भूला, देख लो 5-7 साल से ऊपर हो गए पढ़े हुए भी, और 2-3 साल पढ़ाते हुए भी। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक आप कोई भी चीज़ करो, एग्जांपल करो, तो उसके साथ में उसका जो वेन डायग्राम है वो ज़रूर बनाओ, उससे आपका वेन डायग्राम अच्छा होगा, आपके सोचने और समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, और जब वेन डायग्राम आपको कोई बनाने के लिए बोल देगा या पेपर में आ जाएंगे तो आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे कि यार ये क्या दे दिया, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और पेपर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे, तो इसका यूज आएगा, वो उसमें दोबारा से पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ आने वाली है, ये भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगे और आप उस पर ज़्यादा मेहनत करें। आपको हर टॉपिक पर मेहनत करनी है, लेकिन कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है, उस पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। वेन डायग्राम है, उसको बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। मैं देखो वेन डायग्राम के ऊपर बहुत जोर दे रहा हूँ,
जब से मैंने वेन डायग्राम स्टार्ट किया है हर चीज़ का वेन डायग्राम बताता हूँ, चाहे छोटा वाला बोर्ड था उसमें भी मैंने आपको छोटे छोटे वेन डायग्राम बताए थे, यहाँ थोड़े बड़े और अलग तरीके से बता दिए, लेकिन वेन डायग्राम पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइदर आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करो जेई नीट के अंदर भी, या फिर आप तैयारी करो आगे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो उसमें वेन डायग्राम आपका अच्छा खासा पूछा जाता है। नाउ आज के इस सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट हम कल बहुत अच्छा सेशन लेकर आने वाले हैं और कल आगे बढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, पहले बता चुका हूँ, वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके उससे ज़्यादा, और लर्न डी मॉर्गन्स थ्योरम को ट्रिक से अच्छे से याद करें क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की हाईलाइट जो है ना क्लास 11th की, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो उसकी हाईलाइट यही है, आपको ये अच्छे से याद करना है। और प्रैक्टिस के लिए आपको RD शर्मा और NCERT, इनसे ऊपर नहीं जाएं यार। NCERT सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि या तो फर्स्ट आप इसको करें या दोनों को साथ में करें, एक साथ में चलाते रहें, NCERT भी पढ़ें और RD शर्मा भी पढ़ें, क्योंकि सीधा भी RD शर्मा में जाओगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत बड़ी बुक है, सॉल्व कैसे होगी, और NCERT हमारी बाकी रह जाएगी। वैसे NCERT के 70% क्वेश्चन RD शर्मा में मिल जाएंगे और साइड में लिखा हुआ भी होता है कि NCERT के हैं ये क्वेश्चंस, तो इन दोनों बुक को आप स्टार्ट करें। उसके बाद में जब आप इन दोनों के साथ कंफर्टेबल हो जाएं और आपको क्वेश्चंस आने लग जाएं, फिर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ भी बढ़ेंगे और फिर हम कुछ और अच्छी बुक्स भी करेंगे, लाइक नाम नहीं लूँगा अभी सिर्फ इतनी ही बुक्स बताऊँगा, ठीक है। खैर उनके भी नाम बाद में आपको बताए जाएंगे, फिलहाल हम जो कंटेंट दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो RD शर्मा और NCERT दो प्रैक्टिस बुक्स हैं, इनके अलावा आप कहीं पर भी मत भागना अभी स्टार्टिंग के अंदर, भागोगे तो लड़खड़ा के गिर जाओगे, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और धमाल मचाते हैं।